नमस्कार, मैं सविता शर्मा सविता झटपट कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बनाते हैं अमेरिकन चॉपसी। चॉपसी बनाने के लिए मैंने एक पैन के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रखा, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला और फिर अब नूडल्स को 2 पीसेस में करके इसमें डाल दूँगी। बॉयल्ड पानी के अंदर मैंने आटा नूडल्स यूज़ करे हैं, आप चाहें तो मैदे के या कोई दूसरे नूडल्स भी यूज कर सकते हैं। इनको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही अच्छे से नूडल्स बॉयल हो गए हैं। आप देखिए काफ़ी फूल गए हैं, इसका मतलब ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इनका पानी निकालते हुए एक प्लेट के अंदर नूडल्स को डाल लूँगी। ये मैंने 100 ग्राम नूडल्स लिए थे, अब इनके ऊपर मैं डाल दूँगी ठंडा पानी। ठंडा पानी से डालने से क्या होगा, ये आपस के अंदर चिपकेंगे नहीं और खुले खुले रहेंगे। अब ये देखो ये अच्छे से खुले खुले तैयार हो गए। अब इनको मैं कॉर्नफ्लोर से डस्ट करूँगी। उससे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर एक ऑयल बॉयल होने के लिए रख दिया है। इन सारे नूडल्स को मैं कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके और फिर डीप फ्राई करूँगी। तो देख, एक दूसरी प्लेट के अंदर मैंने ये नूडल्स लिए, अब इनके ऊपर डाला मैंने कॉर्न स्टार्च। ये देखिए हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का हल्का सा तारों तरफ डस्ट कर दूँगी इसको, कॉर्न स्टार्च को नूडल्स पे, और फिर हाथ से इस तरह से इसको मिक्स करूँगी जिससे सब पे थोड़ा थोड़ा सा ही लग जाएगा और जो इसका एक्स्ट्रा पानी जो रहता है ना वो भी ये कॉर्न स्टार्च जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से चाइनीज चॉपसी भी बनाते हैं, लेकिन चाइनीज चॉपसी अमेरिकन चॉपसी में डिफरेंस ये होता है कि अमेरिकन चॉपसी में टमाटो केचप ज़्यादा यूज़ करते हैं और चाइनीज़ में सोया सॉस ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें 1:3 का रेशियो रहता है। अमेरिकन चॉपसी में हम 3 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून हम लेते हैं सोया सॉस, लेकिन चाइनीज चॉपसी बनाने के अंदर हम लोग 3 टीस्पून सोया सॉस लेते हैं और 1 टीस्पून लेते हैं टोमेटो सॉस। इन दोनों में ये फ़र्क है। अब देखिए इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ नूडल्स को। काफ़ी गर्म ऑयल में डाला है मैंने, वरना ऑयल नूडल्स डालते के साथ ही ऑयल ठंडा हो जाता है, तो काफ़ी गर्म ऑयल में मैंने इसमें नूडल्स को डाला और देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इनको डीप फ्राई करा, इतना सुंदर सा कलर आया। अब एक पेपर में निकाल लूँगी जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे आप टिश्यू पेपर यूज़ करें चाहे कोई भी पेपर यूज़ करें। अब बाकी नूडल्स डीप फ्राई करूँगी, तब तक मैं सोया सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया। पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था। अब मैंने डाला है प्याज, इसमें सारी सब्जियाँ हैं लंबी कटी हुई होती है। अब ये है बीन्स प्याज के साथ, ये डाला मैंने गाजर लंबी कटी हुई, उसके बाद लिया है मैंने एक कैप्सिकम शिमला मिर्ची, ये पत्ता गोभी ये भी लंबी काटी हुई, सारी लंबी लंबी सब्जियां कटती हैं। और ये मैंने स्प्राउटेड मूंग रखे थे, मूंग स्प्राउट करके रखे थे, ये डाले। इसके अलावा अपन और भी कोई सब्जियां चाहें वो भी डाल सकते हैं और इनको फुल फ्लेम के ऊपर, इसकी फ्लेम फुल रखते हैं और क्रंची होने तक इनको मैं पकाऊंगी। ये गलानी नहीं है सब्जियों को, इसको क्रंची रखना है, इसलिए फुल फ्लेम के ऊपर हम इसको हिलाते हुए चलाएंगे। अभी देखिए सब्जियां सारी क्रंची हो गई है। अब देखो ये बहुत अच्छे से इसमें हो गया है, कलर आया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल देंगे। अब डाला मैंने इसके अंदर टोमेटो सॉस, ये 3 टीस्पून मैंने लेके रखा था टोमेटो सॉस, और ये है रेड चिली सॉस, ये मैंने थोड़ा सा लिया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये सोया सॉस 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है। और मैंने बेसल्स, मेरे पास ताज़ा बेसल्स थी 5-7 पत्ते, मैंने बेसल्स के थोड़े थोड़े पीसेस करके डाले। आप चाहें तो सूखी बेसल्स भी मार्केट से ला सकते हैं, मैंने ये फ्रेश बेसल्स यूज़ करी, ये छोटे छोटे पीसेस करके ये फ्रेश बेसल्स डाल देंगे। इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अच्छा फ्लेवर बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा मिक्स किया, ज़्यादा देर तक इनको नहीं चलाएंगे, सब्जियों को हमें गलाना नहीं है। मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को 2-3 चम्मच पानी के अंदर मिक्स करके, आइए मैंने डाला कॉर्न स्टार्च इसके अंदर, और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद में 2 मिनट इसको पकाया, और फिर मैंने डाला ये विनेगर, 1 टीस्पून विनेगर डाला। विनेगर डाल के 1-2 उबाल आने के बाद में गैस को मैं कर दूँगी बंद, और ये हमारा सॉस बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ बाउल के अंदर, देखो बहुत अच्छा सॉस बना है। अब अपन इसको सर्व करते हैं। ये मैंने नूडल उठाए, छोटे छोटे पीसेस के करे इसके, ऐसे पीसेस ही छोटे छोटे पीसेस के इनको काट लिया मैंने, और अब इसके ऊपर ये डाल दूँगी सॉस जो मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छा सॉस बना है ये देखिए आप, और ये बहुत अच्छे, बड़े और बच्चे सभी बड़े शौक से इसको खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, पसंद आता है तो शेयर करिएगा। अब मैं इनको गार्निश कर दूंगी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, गाजर और ये मैं ऊपर से रखी मूंग। धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।